Hello students, I'm here again with another scene from Merchant of Venice, right? So far we have seen the three scenes of Act 1 and we have got some idea of the story as to how it's going to move forward. Story kaise aage badhegi, kya kya hone wala hai, thoda bahut anumaan ho gaya hai. And Antonio ne Shylock se paise leke Bassanio ko diye. Bassanio ye paise leke Belmont jayega. शाइलॉक जो मनी लेंडर है वो बहुत समय से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि कैसे एंटोनियो को अपने काबू में ला सके, वे कैसे एंटोनियो के ऊपर हावी हो सके या अपना कोई रिवेंज ले सके. तो आज चलेंगे बेलमॉन्ट. बेलमॉन्ट के पिछले सीन में हमने देखा था दैट देयर वर सिक्स सूटर्स हु हैड कम फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज वी नो Portia is eligible for marriage and her father has laid a condition of the caskets. और ये जो condition है ये पूरे let's say around the world इसको spread कर दिया गया है. तो suitors बहुत जगह से suitors जो चाह रहे हैं कि Portia से शादी कर पाए वो यहाँ पे आते हैं Belmont में अपनी luck try करें. तो पिछले Belmont वाले scene में देखा कि 6 suitors आए थे, उनका 6 में से किसी का Portia को कोई किसी में भी Portia को कोई दिलचस्पी नजर नहीं आई. एंड देन देयर वाज एन अनाउंसमेंट दैट द प्रिंस ऑफ मोरोको हैज आल्सो अराइव्ड और रादर ही इज ऑन हिज वे. सो Portia हैज टू वेट फॉर द प्रिंस ऑफ मोरोको. तो स्टोरी आगे बढ़ती है, प्रिंस ऑफ मोरोको यहाँ पहुंच गए हैं एंड वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द स्टोरी, राइट? सो लेट्स बी गोइंग टू Belmont राइट नाउ. अब सीन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आई विल टेल यू कि आप इसमें क्या देख पाओगे. यू विल सी द टेक्स्ट ऑफ कोर्स, देयर विल बी वर्ड मीनिंग्स गिवन ऑन द साइड्स. वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि काउंसिल में बहुत सारे क्वेश्चंस वर्ड मीनिंग से भी रिलेटेड होते हैं, राइट? एंड लिटरेरी डिवाइसेस, दिस इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ एवरी वीडियो, चाहे वो पोएट्री हो या मर्चेंट ऑफ वेनिस हो, कि आपको लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, द टेक्निक जो यूज की गई है उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए. सो दिस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इन दिस सीन. नाउ वी मस्ट नो कि इस सीन में हम क्या क्या देख पाएंगे. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट टू सीन वन. सिग्निफिकेंस, इस सीन से स्टोरी कितना आगे बढ़ेगी, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. द सीन इज मार्क्ड बाय लॉट ऑफ विजुअल एंड वर्बल पॉम्प. बहुत सारा हम देखेंगे कि कितना अरेंजमेंट है दिस, बिकॉज Portia इज अ रिच लेडी एंड द प्रिंस ऑफ मोरोको हैज कम. प्रिंस ऑफ मोरोको की अपनी ट्रेन है, Portia की अपनी ट्रेन है, देयर आर सर्वेंट्स, फॉलोअर्स, म्यूजिक, लॉट ऑफ पॉम्प इज देयर इवन इन द वर्ड्स, बिकॉज प्रिंस ऑफ मोरोको इज गोइंग टू स्पीक सम वेरी हाई फ्लोन वर्ड्स. वो जो कुछ भी बोलेंगे अपने बारे में वो काफी कुछ बता रहे हैं अपने बारे में. सो हाई फ्लोन लैंग्वेज इज यूज्ड. We meet the Prince of Morocco. उनके बारे में पहले बता दिया गया है that he is a dark complexioned person because Portia ने कहा था कि अगर उनके skin dark complexion, वो dark complexion के हैं, so I would not want to marry him. I would rather कि वो मेरी गुनाहों की लिस्ट वो सुन ले, मुझे माफ कर दे, forgive कर दे, but मुझसे शादी का प्रस्ताव ना रखे, because she will not be able to marry a dark skinned person. So we know he is come from Morocco. A country close to the equator. Despite his dark complexion, he is confident of his charm and valor. अब जब Portia के rather marriage की खबर पूरी दुनिया में फैली हुई है, Prince of Morocco भी काफी interested हुए और वो वहां से यहां तक पहुंच गए. That shows his confidence. ठीक है, उनको अपने डार्क कॉम्प्लेक्शन के बारे में पता है, बट इसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस भी है अपनी चार्म पर, अपनी ब्रेवरी पर, अपनी वेलर पर, जो क्वालिटीज होती हैं एक लेडी को इम्प्रेस करने के लिए. फाइन, वी लर्न द कंडीशंस अटैच्ड टू द लॉटरी ऑफ कैस्केट्स. अब देखेंगे कि इस लॉटरी ऑफ कैस्केट्स में ऐसा क्या है, कंडीशन ऐसी क्या है जो वो 6 सूटर्स पहले आए थे वो चले गए. दे डिड नॉट अटेम्प्ट, ओनली कोशिश भी नहीं करी उन्होंने. उन्होंने कहा कोई और तरीका होगा तो हम रुकते हैं, वरना हम यहां से जा रहे हैं. सो वो कंडीशन के बारे में भी जानेंगे. वी सी हाउ डिप्लोमैटिक Portia इज. Portia ने नरेसा से कुछ और कहा कि मैं डार्क कंप्लेक्शन पर्सन से तो बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी. और यहां जब कॉन्वर्सेशन होगी मोरोको के साथ, सो वी विल सी हाउ टैक्टफुल शी इज, हाउ शी हैंडल्स एंड हाउ शी
कंसील्स, वो अपने इमोशंस कैसे छुपा के रखती है, कंसील करती है और कुछ और ही उसके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, बोल रही है, बिकॉज शी हैज टू लुक आफ्टर हर गेस्ट। और जो भी है उसके फादर की कंडीशन है, विल है, अब जो भी व्यक्ति आएगा पोर्शा को उसको एक बार एंटरटेन तो करना ही होगा। अगर उसने ये मान लिया या उसने एग्री कर लिया कि वो कैस्केट की लॉटरी में हिस्सा लेगा, राइट। इट हाइलाइट्स द थीम्स ऑफ प्रेजुडिस बेस्ड अपॉन रेशियल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। ऑफ कोर्स जो भी बात हो रही है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, गोरे और काले की, रीजनल डिफरेंसेस, कोई कहां का है, कोई कहां का है, किसका क्या रिलीजन है, वो सब भी ये फैक्टर्स भी उभर कर आएंगे। एंड हम और भी जानेंगे कि इसमें गैम्बलिंग है, गेम है, चांस है। मेंशन हो रहा है कि हर कुछ काबिलियत पर डिपेंड नहीं होता है, इसमें किस्मत का भी एक रोल होता है। सो दैट ऑल्सो वी विल लर्न दिस थिंग। सो वी आर ऑल सेट टू लिसन टू द कॉन्वर्सेशन, द विटी कॉन्वर्सेशन बिटवीन मोरोको एंड पोर्शिया। चलिए सीन शुरू करते हैं। वी विल गो टू अ रूम इन पोर्शियस हाउस, बेलमोंट। ओके, दिस इज इन बेलमोंट एंड देयर इज फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स, म्यूजिक है, बिकॉज लेडी आ रही है, पोर्शिया है, साथ में उसकी ट्रेन है, सर्वेंट्स है, फाइन, देयर इज लॉट ऑफ म्यूजिक। एंड प्रिंस ऑफ मोरोको इज अराइव्ड विद हिज फॉलोअर्स। सो जब प्रिंस आएगा उसका प्रिंसली एक एटीट्यूड होगा, ठीक है, वो सब यहाँ पे हो रहा है, लॉट ऑफ म्यूजिक। सो एक विजुअल के तौर पे ये बहुत ही एंटरटेनिंग सीन होगा ऑडियंस के लिए जो बैठे इसको देख रहे होंगे, राइट, इन द थिएटर। प्रिंस ऑफ मोरोको, मिसलाइक मी नॉट फॉर माय कॉम्प्लेक्शन। अब उसने बात ही शुरू करी अपने स्किन के कलर से। इसके दो कारण हो सकते हैं, एक ये कि उसको पता है कि डिफरेंस है, कलर डिफरेंस है, तो हो सकता है इस लेडी को उसके कलर से दिक्कत हो, परेशानी हो, और वो बहुत जल्दबाजी करे अपना डिसीजन लेने में कि ये सही नहीं है। सो शुरू में उन्होंने कह दिया कि मेरे कम्प्लेक्शन पे मत जाइए। या ये भी हो सकता है कि वो जो सर्वेंट था जिसके सामने पोर्शा ने बात करी थी नरेसा से कि भाई अगर डार्क कम्प्लेक्शन का हुआ तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मे बी द सर्वेंट वॉज ओवरहर्ड बाय मोरोको टॉकिंग टू समबडी। हो सकता है सर्वेंट के थ्रू उसे पता चल गया कि भाई उसके कम्प्लेक्शन को लेके यहाँ जरूर दिक्कत हो सकती है। सो द फर्स्ट थिंग दैट ही स्पीक्स, शुरू में जो कह दिया उसने, मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कम्प्लेक्शन, प्लीज डोंट जज मी, डोंट मिसलाइक मी, ओके, फॉर माई कम्प्लेक्शन, फॉर द कलर ऑफ माई स्किन, द शैडोड लाइब्रेरी ऑफ द बर्निश सन। ये तो मुझे सन की हीट से मिली है, ये जो स्किन कलर है मेरा ये मुझे सन की हीट से मिला है। नाउ वी नो मोरोको जो देश है वो इक्वेटर के काफी समीप है, क्लोज है, तो जहां सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं वहां पे हीट फैक्टर ज्यादा होता है, हीट फैक्टर ज्यादा होता है तो स्किन कलर डार्क हो जाता है, राइट। सो ही सेज इट इज माय यूनिफॉर्म, काइंड ऑफ यूनिफॉर्म गिवन टू मी बाय द हीट ऑफ द सन। सो व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच, लाइवरी, ओके, शैडोड लाइवरी, ही सेज इट इज माई यूनिफॉर्म। सो स्किन कलर इज कंपेयर टू अ यूनिफॉर्म एंड दिस इज द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफॉर, ओके, अ कंपैरिजन, फाइन। टू हूम आई एम अ नेबर एंड नियर ब्रेड, टू हूम, हु इज ही रेफरिंग टू हिज ओवर हियर, टू हूम, टू द सन। सो हाउ हैव आई गॉट दिस कलर, I've got this color from the sun. The sun has given me this color. Why? Because I am a neighbor. मैं सन का पड़ोसी हूँ. Meaning I stay in a country जो सन के बहुत करीब है. And near bread. मैं उसी कंट्री में raise up हुआ हूँ. Means मेरा वहीं पे पालन हुआ है. मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ. उसी कंट्री में. So इसीलिए मेरा color ऐसा हो गया है. Bring me the fairest creature northward born. आज एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, प्लीज कॉल हियर फेयरेस्ट क्रीचर, वेरी फेयर पर्सन, मैन, फ्रॉम अ नॉर्थ नॉर्थवर्ड कंट्री, फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन। अब नॉर्दर्न रीजन में क्या है, सन की रेज उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, स्लैंटिंग रेज होती है, तो वहां पे क्योंकि गर्मी कम है इसलिए स्किन का कलर फेयर होता है। इसे अगर स्किन के कलर को ही देखना है एज अ इंडेक्स, ओके, तो आज कोई एक ऐसा व्यक्ति बुला लो जो कि बहुत फेयर होगा, नॉर्दर्न रीजन का होगा, और
Where Phobos fire scares thaws the icicles. Phobos fire, the heat of the sun. Phobos, sun. ऐसी कंट्री से, ऐसे रीजन से जहां पे सन की गर्मी से हार्डली स्केयर्स थॉज द आइसिकल्स. थॉज, थॉज मीनिंग मेल्ट्स, मेल्ट्स. सो कॉल अ पर्सन फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन, फ्रॉम अ कंट्री वेयर द रेज ऑफ द सन आर नॉट सो हॉट, इतनी भी गर्मी नहीं है सन की रेज में कि वहां के जो आइसिकल्स हैं, आइस के जो सेक्शंस बन गए हैं उनको भी वो पिघला सके. तो ऐसी जगह से किसी को बुला लीजिए एंड लेट अस मेक इंसिशन फॉर योर लव. और हम, वो और मैं, अपना लव आपके लिए प्रूव करने के लिए, या हमारा एलिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए कि कौन आपके लिए ज्यादा लायक है, वो प्रूव करने के लिए अपनी बॉडी पे कहीं पे कोई कट करेंगे. इंसिशन, कट. Now, if there is an allusion, okay, there is this allusion, figure of speech, allusion. एक allude किया गया है fact को कि ये माना जाता था Elizabethans में कि जिसके खून का रंग ज्यादा गहरा होगा वो उतना brave होगा. So he says, let us make a cut in our bodies to see, to prove, okay, whose blood is reddest. किसका खून ज्यादा लाल है, ज्यादा गहरा है, his or mine, वो जो नॉर्थ वाला व्यक्ति होगा वो या मेरा. I tell thee lady, this aspect of mine, he says, please listen to me lady, this aspect of mine, this color of mine, this skin color of mine, hath feared the valiant. मुझे देख के अच्छे अच्छे बहादुर लोग डर जाते हैं. मेरे डील डॉल को देख के, मेरे कलर को देख के बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मुझसे डर जाते हैं. By my love I swear, the best regarded virgins of a clime have loved it too. और जो बड़े से बड़े ब्रेव लोग हैं वो तो मुझसे डर ही जाते हैं, बट एक दूसरा एंगल भी है मेरे कलर का, वो ये है कि मेरी कंट्री में जितने भी यंग गर्ल्स हैं उनको मेरा कलर बहुत अच्छा लगता है. दे रियली लाइक माई कलर, दे कंसिडर मी वेरी हैंडसम. तो मेरा कलर एक बहुत प्लस पॉइंट है मेरे लिए. I would not change this hue, so I don't want to change. मैं चेंज ही नहीं करना चाहता अपना कॉम्प्लेक्शन, मैं खुश हूं इस कॉम्प्लेक्शन से. Fine. Except to steal your thoughts, my gentle queen. Of course, I don't want to change the color of my skin. I am here only to steal your thoughts. मैं यहां पे आया हूं आपके thoughts को win करने के लिए, आपके love को win करने. अब जब मोरोको ने कलर की बात कर ही दी है तो पोर्शा शायद थोड़ी सी एम्बेरस्ड हो गई है. उसे लगा कि मोरोको को शायद थोड़ा सा आइडिया हो गया कि उसको कलर प्रेजुडिस है, वो कलर को लेके थोड़ा सा ज्यादा सोच रही है. सो शी ट्राइज टू कवर अप, और टैक्टफुली वो बात को संभाल लेती है. कहती है, इन टर्म्स ऑफ चॉइस आई एम नॉट सोली लेड. शी सेज, नो इट्स ओके. इन टर्म्स ऑफ चॉइस, जहां तक हम चॉइस की बात कर रहे हैं, अगर मेरी चॉइस की बात हो रही है, आई एम नॉट सोली लेड, आई एम नॉट ओनली कंट्रोल्ड और लेड और इन्फ्लुएंस्ड, ओके, लेड इन्फ्लुएंस्ड बाय नाइस डायरेक्शन ऑफ अ मेडन्स आईज. जो मेडन्स होती हैं, यंग गर्ल्स होती हैं, वो शायद ज्यादा इस बात पे गौर करेंगी कि कौन कितना हैंडसम है, किसका कलर कैसा है, बट आई एम नॉट लाइक दैट. मैं उस बारे में तो गौर ही नहीं कर रही हूँ, बिकॉज जो चीज अट्रैक्टिव हो सकती है यंग गर्ल्स के लिए वो मेरे लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बार बिसाइड्स द लॉटरी ऑफ माय डेस्टिनी, बार्स मी द राइट ऑफ वॉलंटरी चूजिंग. और शी सेज, मैं आपको वो भी याद दिला दूं यहाँ पे कि यहाँ मेरी चॉइस की तो बात ही नहीं हो रही है, मेरी चॉइस बिल्कुल भी बीच में नहीं आ रही है. वाई? बिकॉज ये तो एक लॉटरी डिवाइस की है मेरे फादर ने, जिससे कि मुझे बार किया गया है फ्रॉम वॉलंटरी चूजिंग. बार, स्टॉप्ड, कंट्रोल्ड, फॉरबिडन, ओके, आई एम नॉट अलाउड टू मेक एनी वॉलंटरी चॉइस. मैं अपनी मर्जी से कोई चॉइस नहीं कर सकती हूं. बट इफ माई फादर हैड नॉट स्कैंडेड मी, हाँ, अगर मेरे फादर अपनी एक कंडीशन रख के मुझे लिमिट नहीं कर देते, मेरा दायरा छोटा नहीं कर देते, लिमिट नहीं कर देते,
एंड हेल्प मी बाय हिज विल, और अपनी विजडम से, अपने लॉजिक से, अपने विजडम से मुझे बांध के नहीं रखते, हेस्ट, ओके, हेस्ट बांध के नहीं रख देते, टू यील्ड माय सेल्फ, टू गिव अवे माय सेल्फ, ओके, ये कबूल कर लेना कि जो जीतेगा मुझे उसके साथ रहना होगा, उससे शादी करनी होगी, टू यील्ड माय सेल्फ, हिज वाइफ हु विन्स मी बाय दैट मींस, आई विल हैव टू अग्री टू बी हिज वाइफ हु विल विन मी बाय द सिस्टम ऑफ लॉटरी, आई टोल्ड यू सो, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, राइट, योर सेल्फ renowned prince then stood as fair as any corner I have looked on yet for my perfection. अगर ये लॉटरी की कंडीशन नहीं होती सो यू वुड ऑल्सो हैव बीन एन इम्पोर्टेंट कैंडिडेट फॉर मी, मैं आपको भी उसी नजर से देखती, उतना ही फेयर होता मेरा डिसीजन. देर इज डबल मीनिंग ऑन द वर्ड फेयर, कि एक तो यह कि मेरा डिसीजन उतना ही फेयर होता जितना सबके लिए होता, जितने भी लोग आते मैं उन सबको एक सामान्य नजर से देखती और सबका सबकी क्वालिटीज को सुनती देखती अपना डिसीजन सुनाने से पहले, सो आप भी उसमें काफी अच्छा चांस रख सकते थे. देन देयर इज अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड फेयर, कि जितना जितने भी लोग फेयर स्किन के होते और मेरी कोई लॉटरी वाली कंडीशन नहीं होती तो फेयर स्किन के लोगों के साथ जैसा मेरा बर्ताव होता वैसा ही आपके साथ भी होता और मैं आप सबको बराबर नजर से देखती अपना डिसीजन लेने से पहले. सो आपके स्किन कलर से मुझे कोई दिक्कत नहीं है. फाइन, लेट अस सी व्हाट फिगर्स ऑफ स्पीच आई हैव रिटन ओवर हियर. एसोनेंस, एसोनेंस क्या है? रिपीटेशन ऑफ सम वोवल साउंड इनसाइड द वर्ड्स, ओके, where the same sound is there in another word also, that is assonance. So let's check where is assonance. Nice, eyes, the inner vowel sound is the same and that is assonance. Then we also have one more device which is epiphora. Epiphora is a word that comes at the end of some sentences or phrases. Epiphora एक वो टेक्निक है जहां पे एक वर्ड सेंटेंस या फ्रेज के एंड में रिपीट हो रहा है. Okay, let us see what word is that here. Scanted me, hedged me, who wins me. So there is this repetition of the word me and this is epiphora. अब पोर्शन ने जब कहा कि स्किन कलर को बिल्कुल देख ही नहीं रही, गौर ही नहीं कर रही उसके बारे में, सो प्रिंस ऑफ मोरोको बिकम्स अ लिटिल हैप्पी. सो ही सेज, इवन फॉर दैट आई थैंक यू, इवन फॉर दैट. सपोजिंग बोर्ड में आपका क्वेश्चन यहां से शुरू होकर आ गया, इवन फॉर दैट आई थैंक यू, और क्वेश्चन आ गया कि मोरोको पोर्शन को किस बात के लिए थैंक कर रहा है. For what is Morocco thanking Portia? Even for that, जो आपने कहा मेरे complexion को लेके या ये मुझसे कहा कि आप सबको बराबर देखती उसके लिए मुझे एक ही platform पे रखने के लिए thank you so much. So he feels that Portia is a very balanced lady, right? Therefore I pray you lead me to the caskets. अब वो बिल्कुल जोश में आ गया. He says चलो फिर. Show me the place where the caskets are kept. I am ready to make my choice. Take me to that place. To try my fortune. I am ready to try my luck. Fortune. Okay. By this scimitar. Now he is holding a sword in his hand. Of course, prince hai, yodha hai, soldier hai. तो अपना एक weapon उसके साथ में है, scimitar. उसकी बहुत पसंदीदा, उसकी favorite sword होगी है कोई. राइट, सो इसे इसकी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, बाय माय स्वॉर्ड. कसम खाना तो बहुत जरूरी होता है योद्धाओं के लिए, राइट, ये उनकी एक सोल्जर्स की एक पहचान होती है, एक स्वेयर करना, कसम खाना. सो इसे बाय माय स्किमिटार दैट स्लू द सोफी एंड अ पर्शियन प्रिंस. और इस ये स्किमिटार जो है मेरी, ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, एक ऑर्डिनरी वेपन नहीं है, इससे मैंने एक सोफी सुल्तान और एक पर्शियन प्रिंस को मारा है, स्लू करा है.
मारा है ओके दैट वन थ्री फील्स ऑफ सुल्तान सलमान. और ये जो प्रिंस था ये कोई ऑर्डिनरी प्रिंस भी नहीं था, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा योद्धा था. इस प्रिंस ने सुल्तान सलमान को तीन बार हराया था बैटल में और उसको मैंने मार दिया. आई वुड ओवर स्टेयर द स्टर्नेस्ट आइज दैट लुक. मेरे में इतनी हिम्मत है, आई हैव द करेज, मैं बहुत बोल्ड हूं, तो जो भी मुझे चैलेंज करे हिम्मत को दिखाने के लिए, तो मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको स्टेयर कर सकता हूं. तो जब हम किसी से आंखें मिलाते हैं तो दैट मीन्स वी आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. आंखें नजरें चुराना मतलब कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है. दिस इज आई एम एबल टू लुक राइट इनटू द आईज, चाहे कोई मुझे चैलेंज करे, आई एम विलिंग टू डू इट. आउट स्टेयर, आई विल आउट स्टेयर. मैं उसे बहुत ज्यादा देर तक घूर सकता हूं, नजरें मिला के रख सकता हूं. आउट ब्रेक द हार्ट मोस्ट डेयरिंग ऑन द अर्थ. और ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बहादुर बता रहा है पूरी दुनिया में, मैं उसको भी हराने की हिम्मत रखता हूं, आउट ब्रेव कर सकता हूं, उसको भी ब्रेवरी में मात दे सकता हूं, हिम्मत में उसको भी मात दे सकता हूं. प्लक द यंग सकिंग कब फ्रॉम द शी बेयर. छोटा भालू का बच्चा जो अपनी मदर के साथ बैठा हुआ है या मदर उसको अपने एम्ब्रेस में लेके बैठी हुई है, मैं उस कब को उसकी मदर से छीनने की हिम्मत कर सकता हूं. नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि भालू कितना फिरोशियस होता है और मदर भालू तो और ज्यादा फिरोशियस होगी जो अपने बेबी को प्रोटेक्ट कर रही है. मैं उसको भी चैलेंज कर सकता हूं. ये मॉक द लायन व्हेन ही रोर्स फॉर प्रे. और इतना ही नहीं, अगर कोई हंग्री लायन आ जाए तो मैं उसको भी चैलेंज कर सकता हूँ, उसको भी चिढ़ा सकता हूँ दिखा के, ओके, उसको भी मॉक कर सकता हूँ. तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अपनी बहादुरी को प्रूफ करने के लिए. राइट, टू विन द लेडी, ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ आपको विन करने के लिए. सो हियर मोरोको इज ट्राइंग टू से कि जो कैस्केड्स की जो एक लिमिटेशन हो गई है उससे शायद मेरी असलियत, मेरी असली काबिलियत आपके सामने नहीं आ रही है. तो ही फील्स कि उसको बताना जरूरी है कि वो क्या कर सकता है. ठीक है, बट अलास द वाइल ही सैड, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ही फील्स कि ये जो कैस्केड की जो कंडीशन आ गई है ये उसको बहुत लिमिट कर रही है, उसकी हिम्मत कहीं ज्यादा है, वो बहुत कुछ कर सकता है. अब ये कैस्केड्स की वजह से थोड़ा सा उसको, उसकी कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा झटका लगा है. इफ हरक्यूलिस एंड लिचस प्ले एट डाइस, देन ही गिव्स एन एग्जांपल कि मान लेते हैं हरक्यूलिस और लिकस, उसका सर्व. हरक्यूलिस कौन है? सुपर हीरो है ग्रीक्स का. सो अगर हरक्यूलिस और लिकस एक डाइस की गेम खेलते हैं, डाइस क्या है? टोटली एक गेम है जिसपे लक बहुत काउंट करती है, मायने रखती है. ठीक है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू प्ले विद नंबर्स, डाइस फेंक के नंबर्स निकालने हैं. सो अगर हरक्यूलिस और लिकस ऐसा कुछ करते हैं, विच इज द बेटर मैन टू प्रूव कि चलो इस गेम से प्रूव होगा कि कौन ज्यादा बेटर है. द ग्रेटर थ्रो मे बाय टर्न अप बाय फॉर्चून फ्रॉम द वीकर हैंड. और जो विनिंग नंबर होगा वो हो सकता है फॉर्चून की वजह से, लक की वजह से सर्वेंट की तरफ से आ जाए, लिकस की तरफ से आ जाए और हरक्यूलिस ये गेम हार जाए. अब ये तो मतलब नहीं कि हरक्यूलिस में दम नहीं था, राइट? सो इज एल्सिडस बीटन बाय हिज पेज. एल्सिडस अनदर नेम फॉर हरक्यूलिस. तो अगर ऐसा कुछ हो जाए और जो विनिंग थ्रो है, विनिंग नंबर है, वो सर्वेंट की तरफ से आ जाए तो हरक्यूलिस तो हार जाएगा. बट हरक्यूलिस तो सुपर हीरो था, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें हिम्मत कम थी, बट उसका फॉर्चून वहां पे उसके फेवर में नहीं था. एंड सो मे आई, और आज तो ऐसा भी हो सकता है, मैं पहले से ही आज अनुमान लगा ही नहीं सकता कि मैं इसमें जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, क्योंकि ये तो एक स्पेक्युलेशन है, गैम्बलिंग है, गेम है. अब इस गेम में मेरा क्या होगा, आई हैव नो आइडिया. सो ही इज वेरी सैड कि इतना बहादुर होने के बाद भी आज वो लिमिटेड है, शो ऑफ नहीं कर सकता, प्रूव नहीं कर सकता अपने आप को. ब्लाइंड फॉर्चून लीडिंग मी, मैं आगे बढ़ तो रहा हूं बट मेरा जो फॉर्चून है, मेरी जो लक है, वो पता नहीं मुझे आज कहां ले जाएगी.
मिस दैट विच वन गोल ईयर में अटेन, हो सकता है मैं मिस कर जाऊं, और ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको डिजर्व ही नहीं करता, जिसमें इतनी क्वालिटीज ही नहीं है जितनी मेरे में है, वो विन कर जाए, क्या पता, ये तो एक गेम है, चांस है, स्पेकुलेशन है, गैम्बलिंग है, एंड डाई विद ग्रीविंग, तो मैं तो बहुत सैड रहूंगा, मैं तो मरते दम तक सैड रहूंगा इस बात को सोच के कि मेरी हिम्मत, मेरी बहादुरी, मेरी काबिलियत किसी काम की नहीं आई। तो ये जो गेम है लॉटरी की, ये थोड़ा डाइसी है, राइट? फिगर ऑफ स्पीच यूजेस इल्यूजन, ऑफ कोर्स इल्यूजन इज मेड टू द स्टोरी ऑफ हरक्यूलिस एंड लिकास्टस सर्वेंट। सो वी हैव दिस एग्जांपल, एनाफोरा। एनाफोरा एक वर्ड जो सेंटेंस के बिगिनिंग में रिपीट होता है। अभी देखा हमने एपिफोरा, एक वर्ड जो सेंटेंस के एंड में आ रहा है या बीच में आ रहा है, बार बार आ रहा है। एनाफोरा जो शुरू में आ रहा है। फाइन, लेट अस सी व्हाट इज द एनाफोरा हियर। दैट स्लू द सोफी, दैट वन थ्री बैटल्स। सो द वर्ड दैट हियर इज एनाफोरा, एन एग्जांपल ऑफ एनाफोरा। मेटाफोर कंपैरिजन, किसको किससे कंपेयर किया गया है? फॉर्चून, फॉर्चून हियर, ब्लाइंड फॉर्चून। शेक्सपियर ने फॉर्चून को बहुत बार एक लेडी से कंपेयर किया है। गॉड इज फॉर्चून, शी इज फीमेल, ओके, एंड ऐसा माना जाता है कि शी वॉज नॉट टू केयरफुल इन गिविंग हर गिफ्ट्स। जब वो फॉर्चून है, लेडी फॉर्चून है, जब अपनी गिफ्ट्स लोगों में बांट रही है, किसी को सुंदरता दे रही है, किसी को ऑनेस्टी दे रही है, किसी को ब्रेवरी दे रही है, तो वो बिल्कुल भी नहीं सोचती कि किसको कौन सी गिफ्ट मिलनी चाहिए। सो शी इज ब्लाइंड, वो बिना सोचे समझे देती है, ब्लाइंड फॉर्चून। सो फॉर्चून इज कंपेयर्ड टू अ ब्लाइंड वुमन, दैट इज अ मेटाफोर, अ कंपैरिजन। मेटोनिमी, मेटोनिमी इज वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द होल थिंग, एक ऐसा वर्ड जिससे हम बहुत बड़ी किसी चीज को समझ पाए, उसकी पूरे आकार को समझ पाए। सो व्हाट इज द मेटोनिमी? फील्ड्स, फील्ड्स यहां पे क्या है? बैटल फील्ड है, जहां पे युद्ध का मैदान है। तो इस फील्ड वर्ड से हम समझ पा रहे हैं कि पूरी की पूरी बैटल जो है वो बताई गई है। सो दिस इज मेटोनिमी। नाउ पोर्शिया इज एबल टू अंडरस्टैंड as to what is going on in the mind of Morocco. वो पूरा समझ पा रही है, but Portia can't do anything. Okay, ये उसके हाथ में नहीं है कि वो किसको choose करेगी. So she has to tell him, she has to again remind him कि आप यहाँ तक आए हैं, तो अगर आप यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको वो casket की lottery को मानना होगा, उसको उसमें हिस्सा लेना होगा। You must take your chance. If you want to win me, you have to take this chance. इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। You have to take your chance. And either not attempt to choose at all. या तो आप यहीं से withdraw हो जाइए, वापस चले जाइए, या फिर अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये कैस्केट का लॉटरी तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये ऑप्शन आपको लेना ही पड़ेगा। सो स्वेयर बिफोर यू चूज, इफ यू चूज नेवर टू स्पीक टू लेडी आफ्टरवर्ड इन वे ऑफ मैरिज। हाँ, एक कंडीशन में आपको यहां पे बता दूं कि अगर आप आज चूज करने का ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, और अगर आप चूज करके हार जाते हैं, गलत चॉइस हो जाती है, तो आज इससे पहले आपको ये कसम खानी होगी दैट यू विल नेवर स्पीक टू एनी लेडी आफ्टरवर्ड, कि आज के बाद आप किसी लेडी के पास मैरिज प्रस्ताव लेके नहीं जाए। यू विल नॉट प्रपोज मैरिज टू एनी लेडी, मीनिंग आपको जिंदगी भर सिंगल बैचलर रहना होगा। सो दिस इज द कंडीशन अटैच्ड, और ऐसी हार्श कंडीशन, डिफिकल्ट कंडीशन को सुन के ही पहले वाले सूटर्स वापस चले गए हैं। सो शी सेज दिस इज एन देयरफॉर बी एडवाइज्ड, दिस इज अ वार्निंग, यू हैव टू फर्स्ट कंसिडर, इसके जो रेपरकशंस हैं उसको पहले कंसिडर कर लीजिए, अच्छे से कंसिडर कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा।
प्रिंस ऑफ मोरोको. प्रिंस ऑफ मोरोको काफी जोश में भर चुका था ऑलरेडी. ही डजंट वांट टू गो बैक. सो प्रिंस ऑफ मोरोको ऑलरेडी काफी जोश में आ चुके हैं तो वो वापस नहीं जाना चाहते. नॉर विल नॉट. ही सेज ठीक है फाइन नो प्रॉब्लम. अगर मुझे किसी लेडी को प्रपोज नहीं करना अगर मैं हार जाता हूं तो इट्स ओके. नॉर विल नॉट. देयर इज अ फिगर ऑफ स्पीच लाइट और टीज टू नेगेटिव्स. ओके टू व्हेन वी यूज टू नेगेटिव्स वी मीन वन पॉजिटिव. सो नॉर विल नॉट मीनिंग आई विल नॉट डू इट. आई विल नॉट प्रपोज टू एनी वुमन. कम ब्रिंग मी ऑन टू माई चांसेस. कम लेट्स गो. टेक मी स्ट्रेट टू द कैस्केड्स. ब्रिंग मी टू माई चांस. Portia, first forward to the temple. She says, hold on. First we have to go to the temple. Now, Portia is a Christian lady. Christians go to church and उनके अपने ही घर में अगर कोई चर्च है तो उसको कहते हैं चैपल. छोटा चर्च होता है वो. तो वैसे तो चैपल कहना चाहिए था पोर्शा को क्योंकि चैपल में जाके ही वो ओथ लेंगे. बट पोर्शा says temple. हो सकता है उसे लगा कि मोरोको को ज्यादा आइडिया नहीं होगा चर्च वगैरह के बारे में. सो शी मेक्स इट सिंपल फॉर हिम टू अंडरस्टैंड कि हम एक होली प्लेस में जाएंगे वहां पे गॉड के सामने ओथ लेंगे. सो शी सेज लेट्स गो टू द टेंपल आफ्टर डिनर. उसके बाद फिर डिनर भी करेंगे. योर हैजर्ड शैल बी मेड. सो देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम. आप रिलैक्स हो जाइए. अच्छे से रिलैक्स हो जाइए. पहले ओथ लेने चलेंगे फिर डिनर करेंगे उसके बाद जाएंगे. योर हैजर्ड. Hazard is what? Risk. ये सारे caskets के ऊपर भी लिखी हुई conditions है. Hazard, the risk. Prince of Morocco, good fortune then. He says, let me be lucky. I am just calling upon good fortune. I am hoping to be lucky. Okay, I wish to be lucky. To make me blessed, I hope fortune will favor me and will bless me today. Because if fortune does not bless me today, I will be the most curses. सबसे ज्यादा दुखी इंसान आज मैं होऊंगा अगर मेरी फॉर्चून मेरे फेवर में नहीं होगी. तो ये सब तो चांस के ऊपर डिपेंड करता है. मैं कैस्केट चूज करूंगा खोलूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि आज मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी या कर्स. There's another literary device, alliteration. Alliteration is repetition of a sound in the beginning of the words. Okay, musical effect ke liye. So what is the alliteration here? First, forward. First repeated. First forward to the temple. So this is alliteration. And then the scene ends with music. In another scene, we will see how Morocco will make his choice and we will learn more about the caskets. So until I bring my next video to you, stay safe, stay at home. And keep learning your lessons.